डीसी के अंदर जो कि है गाजियाबाद में, और यहाँ के लेकर आए हैं आपको मशहूर दही बल्ले वालों के पास। अगर आप दही बल्ले के शौकीन हैं और आप मानते हैं कि नटराज दही बल्ले वाला सबसे बेस्ट है, या फिर आप जानते हैं, आपने सुना है नटराज दही बल्ले वाला चांदनी चौक में जो स्थित है, तो उससे ज़्यादा बेटर एक और ऑप्शन, या कहें कि उसके उसको टक्कर देने वाला एक ऑप्शन अब अवेलेबल है गाज़ियाबाद के अंदर। यहाँ पे हम अभी गाज़ियाबाद में हैं जो कि आपके आरडीसी के अंदर हैं, ठीक है। आरडीसी के मशहूर दही बल्ले, ठंडे ठंडे दही बल्ले स्टॉल के बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, हाइजीनिक है, और सबसे बड़ी बात, जब आप दही बल्ले का एक प्लेट लेते हैं उसमें दही कितनी बार भी आप रिफिल करवा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मात्र 60 रुपए का दही बल्ले का एक प्लेट है, और 60 रुपए का ही टिक्की है, और 60 रुपए की ही दही पापड़ी है। तो चाहे आप भल्ले पापड़ी लीजिए, चाहे आप दही बल्ले लीजिए, या फिर टिक्की लीजिए, सबकी कॉस्ट 60 रुपीज़ पर प्लेट ही है, और जितनी बार आप चाहें उसमें दही फिल करा सकते हैं, दही या मसाले जो आपको कम लगे आप रिफिल करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एक बार आइए और खाते जाइए। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आप देख भी सकते हैं फैमिलीज आती हैं, काफ़ी मशहूर है ये। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद है जी। लालचंद जी, सर कितने सालों से बना रहे हैं आप? क्या होगा जी, 16 साल। 16 साल? 16 साल। अच्छा, तो 16 साल। सर स्पेशलिटी क्या है आपकी? भुजिया पापड़ी है भैया। भुजिया पापड़ी और छोले टिक्की। छोले टिक्की, अच्छा गुंजिया पापड़ी क्या है? मैं पहली बार ड्राई फ्रूट भर के बनाते हैं, खत्म हो गई। अच्छा 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 अच्छा, वो 4 बजे तक खत्म हो जाती है। 4 बजे तक खत्म हो जाती है, इट मीन्स हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, 2 घंटे लेट हो गए। दो प्लेट है, लाइन लगा के बिकता है, हम भी खुद खाने आते हैं। बहुत पॉपुलर जा रहे हैं। मेरे को भाई साहब हो गए 10 साल, मैं अपने फादर के साथ आता था, अब फादर नहीं रहे, पर मैं तब भी यहीं आता हूँ, नेहरू नगर छोड़ कर यहाँ आता हूँ, नेहरू नगर वैसे रहता हूँ। तो ऐसा क्या यूज़ करते हैं सर जो लोग दीवाने हैं इतने? ऐसा क्या यूज़ करते हैं आप जो लोग बना रहे हैं आज की डेट में, जो जितने भी चाट वाले हैं या दही वाले हैं? एक्चुअल माल नहीं लगाते, जो जिस प्राइस पे दे रहे हैं उस प्राइस पे वो माल नहीं मिल रहा। मतलब जैसे एक कहते हैं कि किसी हलवाई के यहाँ चले जाओ, कहना देसी घी लगाना डालडा, पर यहाँ अगर देसी घी की कॉस्ट ली जा रही है तो देसी घी ही मिल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल, इनकी क्वालिटी ये है कि आप इसे अगर फ्रिज में रात को रख भी देंगे, मान लीजिए आप रात को लेट हो गए, नहीं खाया गया, रात को रख देंगे, इनका भल्ला टाइट नहीं होता। बाकी जगह किसी चाट वाले के यहाँ खाएंगे वो भल्ला टाइट हो जाता है, उसमें वो क्या मटेरियल यूज़ करते हैं वो बता सकते हैं। इनका मटेरियल में सॉफ्टनेस इतनी कि अगर आपने रात को वैसे रख दिया, मतलब सेपरेट अगर भल्ला, उसे नहीं कहता कि दही में अगर बीच में डाल के आपने करा हुआ, सेपरेट अगर डला है सुबह भी एज इट इज़ फ्लफी। सर यहाँ पर जो क्वालिटी के स्पाइस यूज़ किए जाते हैं, दे आर वेरी टेस्टी एंड वेरी ऑसम। एक्चुअली हाइजीनिक कंडीशन, हाँ हाइजीनिक कंडीशन अप्लाइड है, होममेड है सारा, और वेरी मसाला भी जो बनता है वो होममेड बनता है, वो होममेड बनता है, होममेड है, और इसको कहते हैं खड़ा मसाला। खड़ा मसाला जो टेस्ट डेवलप करता है, जैसे एक भेंडवी पूरी के अंदर खड़ा खड़ी पीठी डलती है, वो खड़ा खड़ा मसाला, धनिया होता है, जैसे आप मसाला होता है चले जाइए, और एरोमा इज देयर, एरोमा की वजह से वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ता है। क्वालिटी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर ओके, एक क्लास, एक क्लास मतलब क्वांटिटी भी, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी खा सकते हैं। चाचा इन्हें दही बल्ले खिला रहे हो, अफीम तो नहीं खिला रहे? फैन फॉलोइंग खतरनाक है आपकी। हम तो कई बार जैसे रात को, वी आर जेन्युइन, हम तो कई बार अगर 8 बजे भी आते हैं तो स्टॉक खत्म कई बार मिलता है, खत्म मिलता है, एंड दे आर वेरी पोलाइट टुवर्ड द कस्टमर। मैं इनका बिहेवियर देख रहा हूँ बहुत, और रात को 11 बजे तक चलता है, दे आर वेरी पोलाइट टुवर्ड द, 11 बजे तक स्टॉल चलता है, 11 बजे तक ऐसे ही रश, दे रेस्पेक्ट टू द कस्टमर, वेटिंग चलती है कई बार। देखिए अच्छा ये इनका काउंटर है, कैश काउंटर, या किस टाइम खुलती है हमारी शॉप? यहाँ 2 बजे से, 9 बजे, 9 बजे सुबह, 9 बजे अच्छा सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है भाई।
और लास्ट कितने बजे तक? 11 बजे बंद होती है, टिक्की वाली 10 बजे बंद होती है, टिक्की वाली 2 बजे चालू होती है। टिक्की 2 बजे स्टार्ट होती है और दही बल्ले 9 बजे सुबह स्टार्ट हो जाते हैं। और ये दही बल्ले रात को 11 बजे खा रहे हैं। ठीक है, रात को शॉप बढ़ाने की टाइमिंग जो इनकी है वो रात 11 बजे की है, जो कि ये दही बल्ले की है। और जो टिक्की है वो 2 बजे से रात के 10 बजे दही बल्ले खाने इनके घर पैकिंग में बिल्कुल खाली इसी के लिए आए ना, तो देखो इसी काम से आए, खाली दही बल्ले खाना है या घर ले जाना। क्या बात है, देखो ये फैन फॉलोइंग पिलखवा से आते हैं। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? पड़ता है 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 अगर और थोड़ा अंदर चले जाए। किशनगंज से दही बल्ले खाना है, मैं इनके काफी सालों से खाता हूँ और ले जाता हूँ घर। बहुत ऐसे दही बल्ले पूरे गाजियाबाद में नहीं खाए। दही बल्ले की प्लेट में क्या क्या है इसमें? ये हमारा बल्ला है। अच्छा, और मूंग की दाल का बल्ला है। प्योर मूंग की दाल का? जी जी। ये जीरा मसाला आ गया। जीरा मसाला आ गया, क्या बात है। ये बल्ले का मसाला है। ये क्या बात है, बल्ले का मसाला है। ये नमक है जी। नमक, ये हमारी पपड़ी है जी। पापड़ी? हाँ, पपड़ी 10 डलवाओ 5 डलवाओ 8 डलवाओ जितना मर्जी डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई लिमिट नहीं? कोई लिमिट नहीं है जी, कस्टमर खाने वाला हो बस। क्या बात है, ठीक है ना। और इतना सब कितने में? ये 60 रुपए की प्लेट है। 60 रुपए की मात्र प्लेट में? ये खजूर की चटनी है जी। खजूर की चटनी? कस्टमर एक बार दही डलवाओ, 10 बार डलवाओ, 5 बार डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसी, मतलब अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है जी, बिल्कुल। आप एक बार में पेट भर के बेचते हैं, घर पे खाना नहीं खाना कोई मतलब। ये प्लेट तैयार हुई है सर की, क्या बात है। 60 रुपए की प्लेट। क्या नाम है मेरे भाई? विनय। विनय, तो विनय भाई क्या क्या डालते हो टिक्की में? टिक्की में छोले हैं, मसाला डालते हैं। मसाले हैं, छोले हैं, दही है। ये क्या है? हरी मटर। हरी मटर? अच्छा, इसमें छोले से बनाए हैं। ये हरी मटर है, छोले हैं? छोले, सारे छोले। हाँ ठीक है। अच्छा, घी कौन सा यूज करते हैं आप? नेचर फ्रेश। हाँ, काफ़ी अभी मैंने टेस्ट किया, सच में बहुत ही अमदा अच्छा लगा मुझे खाकर। और बाकी अगर नटराज के दही बल्लों के फैन हैं तो यहाँ आइएगा, खाइएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।